हेलो गाइस, मेरा नाम आकाश, क्रिकेट इनसाइड में आपका स्वागत है। तो मैं लेके आ चुका हूँ मैच की फुल रिव्यू। उसमें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट वार्म अप मैच में इतनी अच्छी मैच हुई कि ऑस्ट्रेलिया के हाथ में मैच था, कभी इंडिया के हाथ में। उसमें इंडिया की पहली बैटिंग थी, उसमें केएल राहुल ने लास्ट ओवर बैटिंग करते उन्होंने 50 रन किए और वो इतने अच्छे फॉर्म में इतने अच्छे फ्लेग मारे थे। उसके बाद तो हमारा बेस्ट बैट्समैन अभी सूर्य कुमार यादव भी बैक इन फॉर्म, बाकी खेल रहा रोहित शर्मा, वो सब थोड़ा 20-15 रन करके आउट हुए। उसके इंडिया इन्हें ऐसे करते ही इंडिया ने 186 रन किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक विकेट लिया मिचेल स्टार्क ने। उसके बाद केन रिचर्डसन भी वापसी करते हुए गाइस, उन्होंने भी 2 विकेट किया और बॉल लाइन लेंथ इतने अच्छी डालते थे गाइस, बहुत अच्छे डाले थे। फिर आगे ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, उसके बाद मिचेल मार्स ताबड़तोप बल्लेबाजी कर रहे थे एरन फिंच के साथ, उन्होंने भी 40 के ऊपर रन किए। फिर आ गए एरन फिंच का जितने अच्छे खेल रहे थे कि वो लास्ट तक टिके थे, लास्ट के 18 ओवर तक उनके हाथ में मैच था, लेकिन हो गया। उसके बाद करिश्मा भुवनेश्वर कुमार ने एक विकेट लिया इंडिया की तरफ से। फिर आ गए युजवेंद्र चहल ने भी गाइस एक मैक्सवेल को आउट किया, उन्होंने भी अच्छा बॉल टर्न हो रहा था उनका भी। और गाइस क्या बताओ तुमको, आज एक चमत्कार हो ऐसा कभी नहीं हुआ। और अर्षदीप सिंह ने भी एक विकेट लिया, मैं आपको आगे बताता हूँ। एक ऐसा चमत्कार हुआ कि लास्ट के ओवर में 11 रन चाहिए थे, उसके लिए लेके आए मोहम्मद शमी को, उनको पूरे मैच में नहीं खेला है लेकिन लास्ट के मैच को उनको लेके आए। फिर उन्होंने कर दिया चमत्कार, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को इतनी लाइन लेंथ इतने यार्कर डाले ना अच्छे से कि उनके यार्कर के सामने ऑस्ट्रेलिया टीम रन नहीं बना रही। उन्होंने पैट कमिंस को आउट किया, उसके बाद इंग्लिश जो बैट्समैन उसको बोल्ड किया, ऐसे करके